B section, you want to say me anything? Yes, beta. Okay. It's okay, doesn't matter. If they are listening to me, then it is fine. Okay, case study I'm reading for you. You also seen the module. Anil wants to follow a diet plan as directed by a dietitian. He has to control intake of carbohydrates. आपने साइंस में पढ़ा होगा कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सोच के लेने पड़ते हैं. प्रोटीन इज ऑल्सो, यू नो, जब जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, दे से कि यू हैव टू ईट एवरी न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, हमें वो मील्स खाने हैं जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स हो, प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो. ठीक है, तो व्हेन अनिल वेंट टू डाइटिशियन, तो उसके डाइटिशियन ने उसको बताया कि आपको क्या क्या डाइट खानी है टू बी हेल्दी. तो ही हैज टू कंट्रोल इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. उन्होंने बोला कि यू हैव टू कार्बोहाइड्रेट पे, खाते आई मस्ट टेल यू कि कितने हैं एवरी डाइट में आपको कितने कितने कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं. ठीक है, हिज डाइटिशियन हैज प्रोवाइडेड हिम विद द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल चार्ट. फर्स्ट इज फूड आइटम. फूड आइटम के नीचे फर्स्ट रीड द टेबल केयरफुली. ठीक है, क्वेश्चन नहीं अभी हम पढ़ेंगे, पहले टेबल को फॉलो करो. फूड आइटम्स आर गिवन राजमा, कैबेज, पोटैटो, कैरेट, टोमेटो एंड एप्पल्स. एंड कार्बोहाइड्रेट्स कितने कितने हैं? राजमा के 60 ग्राम्स है. इसका मतलब क्या है? ऊपर लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स पर यूनिट. इट मीन्स कि वन यूनिट ऑफ राजमा कंटेन्स 60 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, यू कैन राइट दिस लाइन. आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना पड़ेगा वहां पे कि आपकी जो फूड आइटम्स है 60 ग्राम जो दी हुई है आपको, इट शोज राजमा के आगे जो आपको 60 ग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब हमें ये दिखा रहा है कि वन यूनिट ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन नीचे वाले तभी समझ आएंगे अगर आपको क्वेश्चन पहले समझ आया. तो वन यूनिट ऑफ राजमा कंटेन्स, राजमा कंटेन्स 60 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, अंडरस्टैंड द टेबल फर्स्ट. मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, वन यूनिट ऑफ राजमा कंटेन्स 60 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. वन यूनिट ऑफ कैबेज कंटेन्स 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट. ओके, प्लीज सेटल डाउन बच्चे जो आ रहे हैं क्लास में. आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन वंस अगेन. पहले अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद जब क्वेश्चंस करेंगे देन यू कैन नोट इट डाउन. ये समझने वाला क्वेश्चन ज्यादा है, पहले समझ लो. ई सेक्शन चिल्ड्रन प्लीज सिट डाउन, एडजस्ट रीच अदर. बेटा सबको स्पेस तो बैठने के लिए. यस, जल्दी से ओपन योर नोटबुक्स. जो अभी अभी सेटल हुए हैं बच्चे, ओपन योर रजिस्टर एंड योर मॉड्यूल. क्या आई एम रिपीटिंग अगेन? वन यूनिट ऑफ राजमा कंटेन्स 60 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. वन यूनिट ऑफ कैबेज कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. वन यूनिट ऑफ पोटैटो कंटेन्स 22 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. मॉड्यूल में देखो, वन यूनिट ऑफ कैरेट कंटेन्स 11 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. एंड वन यूनिट ऑफ टोमेटो कंटेन्स 4 ग्राम. एंड वन यूनिट ऑफ एप्पल्स कंटेन 14 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स की हमें क्वांटिटी बताई हुई है कितने कितने ग्राम है, तो उसके हिसाब से हमने चलना है. अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि वन यूनिट ऑफ राजमा कंटेन 60 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो कैन यू टेल मी, अगर मैं बोलूँ कि 5 यूनिट ऑफ राजमा कितने कंटेन करेंगे? इन जनरल मुझे बताओ, अभी हम वो क्वेश्चन, वो मॉड्यूलर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं. इफ वन यूनिट ऑफ राजमा कंटेन 60 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देन 5 यूनिट ऑफ राजमा कितने कंटेन करेंगे? 5 × 60 300 ग्राम. ओके, मल्टीप्लाई तो आपको करना आता है, बट हैव यू अंडरस्टूड कि अगर मैं किसी भी चीज का वन, जैसे आप यूनिटरी मेथड में करते हो कि वन का पता है तो मोर का कैसे निकालोगे मल्टीप्लाई करके?
यू नो दिस ना। अब यहाँ पे आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर कर रहे हो, तो हो सकता है आपको ए के बारे में पूछ लो कि ए यूनिट ऑफ राजमा कंटेन्स हाउ मेनी, 60 × a दैट इज 68 ग्राम्स। कर सकते हो ना ऐसे। अब आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ये पता चल गया कि हम वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं नंबर की जगह। अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई यूनिट ऑफ राजमा कंटेन्स हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट वुड यू से? 16 × y, 60 y ग्राम्स। 16 × y। एवरीबडी हैज अंडरस्टूड? रेज योर हैंड जिस इसको पता चल गया कि हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं 60 से। वेरी गुड, 60 y ग्राम्स। ओके, यही चीजें जो है आगे क्वेश्चंस में है आपके पास, इसलिए मैं आपको बेसिक पहले समझा दूं कि इसका मतलब क्या है। से पैदल हो जब आप ओनली टेबल को देखते हो, टेबल थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि ये पता नहीं क्या कार्बोहाइड्रेट्स आ गया, ग्राम्स आ गया, पर यूनिट आ गया, बट डोंट वरी, दिस इज ऑल यूनिटरी मेथड। फ्यू चिल्ड्रन आर नोटिंग ऑल्सो, आई एम हैप्पी टू सी देम। आपको रिविजन करने के लिए नोट करना पड़ेगा ताकि आपको घर पे भी समझ आ जाए कि ये क्या था। वेरी गुड, आई एम वेटिंग फॉर यू। उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। काफी बच्चे लिख रहे हैं, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज के लिए है बेटा। जो अभी अभी हमें लिखा है वो सारा नॉलेज के लिए है आपके। अभी हम एक्चुअल क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे। और सब नहीं इकट्ठे नहीं बोलना, आई विल कॉल द नेम आंसर बताने के लिए। फाइन, क्वेश्चन नंबर 1, राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सबको पता है कैसे लिखते हैं, पूरे चैप्टर में आपने यही पढ़ा है। ओके, राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर कार्बोहाइड्रेट इनटेक। फॉर कार्बोहाइड्रेट इनटेक, कि कार्बोहाइड्रेट कितने खाने चाहिए, लेने चाहिए, उसके लिए हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है। इफ ही कंज्यूम्स, दे आर टॉकिंग अबाउट अनिल, इफ ही कंज्यूम्स वाई यूनिट ऑफ पोटैटोस, ए पार्ट है हमारे पास, वाई यूनिट ऑफ पोटैटोस, ऑफ पोटैटोस एंड टू यूनिट्स ऑफ राजमा, एंड मतलब प्लस टू यूनिट्स ऑफ राजमा। ओके, राइट डाउन दिस सेंटेंस। मैंने प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि एंड है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है, उसमें हमें प्लस या माइनस तो लिखना ही पड़ेगा। तो हमने शुरू में ही उसको एंड को प्लस बना दिया। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज, नाउ यू नो, नाउ यू, इट इज वेरी क्लियर टू यू व्हाई यूनिट्स ऑफ पोटैटोस। लिस्ट से हम देखेंगे कि पोटैटो के कितने ग्राम्स थे, उससे हम वाई यूनिट का निकाल लेंगे। जो बच्चे अभी अभी सेटल डाउन हुए हैं, प्लीज सी हियर, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। अभी हमने सिर्फ यही डिस्कस किया है, और मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगी। ओके, गैस डाउन। ओके, जी सेक्शन, आप पहले से ही सेटल डाउन थे आप तो। आई एम कॉलिंग द नेम, वंश 7G, कैन यू कम फॉरवर्ड? आगे बच्चे बैठे हुए हैं आपके, यस, आगे आ जाओ बच्चे। बाकी बच्चे जो अभी अभी सेटल डाउन हुए हैं, प्लीज नोट डाउन कर लो बोर्ड से। मैं हाँ वंश बेटा, जस्ट टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय 22, सॉरी, वाई यूनिट्स ऑफ पोटैटो का मतलब क्या है? वाई यूनिट्स ऑफ पोटैटो, टेल मी ओनली दिस। नीचे बैठ, चलो नीचे रोहन तेरे पड़ जाएंगे। सबसे पहले लिस्ट में से देखो पोटैटो के सामने कितने ग्राम्स हैं, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर? 22 ग्राम्स। 22। 22 जो है वो वन यूनिट के लिए, ठीक है, वन यूनिट का, वन यूनिट ऑफ पोटैटोस
अंडरस्टैंड हियर, इधर खड़े खड़े आपको अंडरस्टैंड करो, यूनिट ऑफ पोटैटोज की आपको 22 ग्राम दिया हुआ है, तो वाइज यूनिट ऑफ पोटैटोज कितने होंगे वंश, आप ही बताओगे मुझे। 22 वाई ग्राम। 22 वाई ग्राम, यस। हु हैव अंडरस्टूड, रेज योर हैंड। वंश प्लीज सिट डाउन, वेरी गुड बेटा। हु हैव अंडरस्टूड हाउ इट हैज कम, 22 वाई, वेरी गुड, हैंड्स डाउन, इट इज 22 वाई, क्योंकि आपकी लिस्ट में 1 यूनिट के 22 ग्राम्स थे, हमने वाई यूनिट के 22 × y लिखा, प्लस 2 यूनिट ऑफ राजमा। राजमा कितने हैं आपके पास? 60। 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स ऑफ राजमा, इट मीन्स 2 × 60। ओके, प्लीज कंबाइन इट, वी हैव टू राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास बेटा आपको ये करना है ना, इसको ऐसे तो नहीं ले सकते, यू हैव टू मेक इट ए कॉन्स्टेंट बाय मल्टीप्लाइंग। ओके, वेरिएबल को तो हम कुछ नहीं कर सकते, वी विल राइट इट एज 22 वाई प्लस 120। दिस इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो बड़ी स्मार्ट आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रही है। आपके पास वेरिएबल भी है, कॉन्स्टेंट भी है, कॉफिशियंट भी है, सब कुछ है, साइन भी है, एक एक ही साइन है प्लस का। Now all the children are settled down. जो नए बच्चे आए थे अभी आके बैठे हैं, they are also settled down. इसलिए मैं दोबारा ये क्वेश्चन अभी रिपीट कर रही हूँ. ओके, ध्यान से इसको अंडरस्टैंड कर लो. इस क्वेश्चन में आपके पास, अब आपके केस स्टडी के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं, अंडरस्टैंड इट केयरफुली, कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपको केस स्टडी के पैराग्राफ में दी होती है, इट इज लाइक अ कॉम्प्रीहेंशन, जैसे आप इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन करते हो, ठीक है। जो कॉम्प्रिहेंशन होता है वो अनसीन होता है, अनसीन मीन्स वो नया होता है आपके लिए, आपने कभी देखा नहीं होता, एक स्टोरी फॉर्म की, स्टोरी की फॉर्म में वो पैराग्राफ आपको दिया होता है, उसी में से ढूंढ के हमने क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, तो इसलिए पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इसमें अनिल वॉज अ पर्सन हुज डाइटिशियन गेव द फॉलोइंग चार्ट टू हिम, कि कितने कितने कार्बोहाइड्रेट्स आपको लेने चाहिए, ठीक है। तो ही गेव द फॉलोइंग चार्ट, फूड आइटम दिया था, आई एम रिपीटिंग, बेटा ध्यान से सुन लो, स्पेशली फॉर दोज चिल्ड्रन जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। जी सेक्शन, जी सेक्शन, चिल्ड्रन हु आर सिटिंग डाउन, लुक स्ट्रेट, फाइन। फूड आइटम्स आर गिवन टू यू, उनके कार्बोहाइड्रेट्स उनके सामने दिए हुए हैं, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स दिए हुए हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है पर यूनिट, पर यूनिट मीन्स एक यूनिट के राजमा में 60 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक यूनिट ऑफ कैबेज में 5 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ओके, तो ऐसे ऐसे सबके दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके फाइन, क्वेश्चन से पहले मैंने क्या बताया था कि अगर आपको 1 यूनिट ऑफ राजमा की 60 ग्राम दिया हुआ है टेबल में, तो आपको अगर पूछा जाए कि 5 यूनिट के राजमा की कितनी ग्राम्स होगी कार्बोहाइड्रेट, तो ऑफकोर्स 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये मैंने नॉलेज के लिए आपको लिखवाया। अब 5 तो एक नंबर था, आपने यूनिटरी मेथड किया हुआ है, आपको समझ आ गया कि यस 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट अबाउट अ वेरिएबल, उसकी जगह का कोई वेरिएबल आ गया, ए आ गया, एक्स आ गया, वाई आ गया, एम आ गया, कुछ भी आ गया, तो हमने उसको ऐसे ही नंबर की तरह ही ट्रीट करना है, ठीक है। तो ए यूनिट का, अगर एक का राजमा कंटेन 60, तो ए यूनिट का कितना कंटेन करेगा, 60 × a। वाई का कितना कंटेन करेगा, 60 × y। दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज, जो मैंने आपको बताया बिगनिंग में कि कैसे कैसे हमने वैल्यूज को कन्वर्ट करना है हायर यूनिट्स में, ठीक है बेटे। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ए पार्ट, वाई यूनिट ऑफ पोटैटो, एंड की जगह हमने प्लस लिखा क्योंकि वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में हमने लिखना था, 2 यूनिट्स ऑफ राजमा। जिसको ये क्वेश्चन यहां तक समझ आ गया है ए पार्ट, रेज योर हैंड, ग्रेट। चलो लेट अस मूव टू बी पार्ट, फर्स्ट की एक्सप्रेशन आ रही है 22 वाई प्लस 120, ठीक है। बी पार्ट, राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक इफ ही कंज्यूम्स 2x, आई थिंक इसमें 2 क्रॉस है, इसको x कर लो, 2x यूनिट ऑफ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपकी 2x की वैल्यू यूज होगी, आपके मॉड्यूल में आई थिंक क्रॉस है ना, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, उसको x की फॉर्म में लिख लो ताकि आप उसको वेरिएबल की फॉर्म में यूज कर पाओ, 2x यूनिट ऑफ पोटैटोज, टोमेटोज, 2x यूनिट ऑफ टोमेटोज, एंड बीच में प्लस लगा दो,
वाई यूनिट्स ऑफ एप्पल, वाई यूनिट्स ऑफ एप्पल्स। ठीक है, जब न्यू कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने आता है थोड़ा दिमाग उसके अंदर ही लगाना होता है, उसी में ही यू हैव टू डाइव डाउन इनटू द क्वेश्चन कि अभी ये पता नहीं नई स्टोरी जो बता रहे हैं उसके बारे में ही सोचना है आपने, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से ही निकल के आ रहे हैं। फाइन, 2x यूनिट ऑफ टोमेटोज। पहले तो टोमेटोज की देख लो, उसका टेबल रीड करना पड़ेगा हमें दोबारा से कि टोमेटो की कितनी वैल्यू दी हुई थी हमें, 1 यूनिट टोमेटोज की कितनी है, 4 ग्राम। 4 ग्राम। तो 1 यूनिट ऑफ टोमेटोज मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू 4 ग्राम। तो 2x यूनिट ऑफ टोमेटोज कितने होंगे इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8x। नेक्स्ट दे आर टॉकिंग अबाउट एप्पल्स, राइट डाउन यहां पे लिख लो प्लस। अब हम उसके बारे में लिखेंगे, 1 यूनिट ऑफ एप्पल्स। अब आप नोटबुक में लिख ही रही हो तो उसको डिटेल में लिख लो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। 1 यूनिट ऑफ एप्पल्स में कितना कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 14 ग्राम्स इट इज गिवन। यस फाइन, आपको दे आर आस्किंग वाई यूनिट्स, वाई यूनिट ऑफ एप्पल्स विल बी इक्वल टू, जल्दी से बता दो, 14y। 14y ग्राम्स। अब एक टर्म हमारे पास यहाँ है, एक टर्म हमारी यहाँ है, बीच में प्लस का साइन है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या आएगी, 8x + 14y। दिस इज द आंसर। किसी को डाउट हो रहा है कि कैसे आया, खड़े होके पूछ लो, ठीक है, डोंट टेक योर डाउट्स इन योर माइंड। सी पार्ट, राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इन टेक इफ यू कंज्यूम 3 यूनिट्स ऑफ कैबेज। सी पार्ट इज 3 यूनिट्स ऑफ कैबेज। लेट एवरीबडी डू बेटा। थ्री यूनिट्स ऑफ कैबेज एंड एक्स यूनिट ऑफ कैरेट, एक्स यूनिट ऑफ कैरेट। ओके, उनकी वैल्यू लगानी है, टेबल आपके सामने है, फॉर द वैल्यूज इट इज 3 यूनिट ऑफ कैबेज है तो ऊपर तो हमारे पास 5 था तो ऑफकोर्स आएगा 3 × 5 प्लस एक्स यूनिट ऑफ कैरेट, एक्स यूनिट ऑफ कैरेट। कैरेट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 11। ओके, तो आपकी एक्सप्रेशन आ जाएगी 10 + 11x, 11x + 15 या 15 + 11x, कुछ भी लिख दो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, x के साथ 11 लिखना बहुत जरूरी है, 15 को चाहे आप लेफ्ट में लिखो चाहे राइट में लिखो, इट इज फाइन। आई होप दिस चैप्टर इज वेरी मच क्लियर टू यू। Who are confident in this chapter? Raise your hand. Who are confident? You have learned so many things in this. Very good. Very good. Hands down. G section, note down कर लो बेटा. आपका video अभी अभी आया है ये. MCQ उसका मैम third explain करना. Okay. Yes, module आपके सामने है बेटा, इसको ना अभी अभी मॉड्यूल 1 के एमसीक्यूज का थर्ड। ओके ओके ओके, वी विल डू इट नाउ। सबको ये नोट करने दो पहले, एंड अभी मॉड्यूल आपके सामने है बेटा 1 और 2, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, उसके बाद फिर मैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज के थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, चलो आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट, जो बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं देन विल डिस्कस एमसीक्यू। ओके
मॉड्यूल वन का क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू का थर्ड क्वेश्चन. ओके आई वॉन्ट टू सी द चिल्ड्रन जिन जिन का ये डाउट है एमसीक्यू का. मॉड्यूल वन एमसीक्यू थर्ड क्वेश्चन. ठीक है ओके एवरीबडी सीन द बोर्ड. बेटा मेन थिंग जो है इसमें अंडरस्टैंड करने वाली एमसीक्यू का जो मैं थर्ड क्वेश्चन बता रही हूँ कि आपको पावर ऑफ पॉलिनोमियल कैसे देखनी है. जब तो आपके पास सिंगल वेरिएबल होता है कि 3x5 प्लस 2x-1 सबको नोट डाउन करने दो. आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू एवरी वन. फिर बच्चे अभी नोट डाउन कर रहे हैं. आपको कंसेप्ट बेटा इसमें समझना है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. इसका कंसेप्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की हाउ टू सी डिग्री. पूरी की पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री देखने के लिए यू हैव टू सी द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल. ओके इसमें वेरिएबल आपके पास एक्स है और इसकी मैक्सिमम पावर है 5. तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द, इसमें तो पूछा था ना इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स. तो डिसेंडिंग ऑर्डर आप तभी करोगे जब आपको बड़े का छोटे का और उसके फिर छोटे का पता होगा. जब आपके पास बेटा सिंगल वेरिएबल है तब तो आपको पता चल जाता है कि 5 इज द मैक्सिमम पावर. तो हम लिख देते हैं उसमें इट इज विजिबल वेरी क्लियरली. व्हेन देयर आर टू वेरिएबल्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स फाइव वाई प्लस 2x2 वाई स्क्वायर समथिंग लाइक दैट. कुछ ऐसे ऐसे लिख देते हैं. चलो यहाँ पे मैं -1 ही लिख देती हूँ दोबारा से. -1/50 लिख देते हैं. चलो कोई बात नहीं फ्रैक्शन भी हो सकता है. ओके कभी कभी फ्रैक्शन भी दिख जाए तो घबराना नहीं है. पॉलिनोमियल में कुछ भी हो सकता है. नॉर्मल नंबर भी हो सकता है वेरिएबल भी हो सकता है ये भी हो सकता है फ्रैक्शन भी हो सकता है कॉन्स्टेंट की जगह. तो कोई बात नहीं वो भी कॉन्स्टेंट ही है. ओके बेटा नाउ व्हेन देयर आर टू वेरिएबल्स हाउ टू सी द पावर. यू हैव टू एड देयर पावर्स. यहाँ पे वाई अकेला है तो वाई 1 है ठीक है विच इज नॉट सीन बट इट इज अंडरस्टूड कि वाई के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसके ऊपर 1 है. तो इसकी पावर क्या होगी. वेयर वी टॉक अबाउट ओनली पावर. इसकी पावर होगी 5+1 6. इसकी पावर होगी 4. वो आगे तो कॉन्स्टेंट ही है ठीक है. तो वॉट इज मैक्सिमम. 6 इज मैक्सिमम. 6 इज बिगर. तो पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 6. दिस इज क्लियर टू एवरी वन. यस मैम. चाहे 2 वेरिएबल आ जाए 3 वेरिएबल आ जाए उनके पावर्स को हमने सबको प्लस कर देना है. 5+1 कोई नंबर नहीं है उनके पावर्स को बस. 5+1 इज 6. यहाँ पे 2+2 इज 4. तो सबसे बड़ी 6 है तो इसका मतलब 6 इज द मैक्सिमम पावर. सो इसकी इसकी पॉलिनोमियल की जो भी मैंने मैंने अभी अभी लिखी है इसकी पावर क्या होगी 6 ठीक है. अब आपके जो क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल की पावर ही देखनी है. यस ओनली वेरिएबल. यस पावर वेरिएबल की ही होती है आपकी एक्सप्रेशन में ठीक है. यहाँ पे जो जितने भी हमने एक्सप्रेशन लिखे ये आपने एक्सप्रेशन एक लिखी थी ना ऊपर जी. सी ये भी जो आपने एक्सप्रेशन लिखी थी इसकी पावर क्या होगी. व्हाट विल बी पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. 1. यस इट विल बी 1. इसकी क्या होगी 1. सिर्फ पावर को देख रहे हैं वेरिएबल की पावर को. पावर हमेशा वेरिएबल के ऊपर ही होती है. यहाँ पे ही होती है कुछ ना कुछ. यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है अंडरस्टूड है. अगर अकेला कांस्टेंट है सपोज यहाँ पे 150 है कांस्टेंट है इसकी पावर अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे वेरिएबल. ओके यू कैन से कि इसके ऊपर वेरिएबल लगा ही नहीं हुआ पावर कैसे बताएं. तो वेरिएबल यहाँ पे है x^0. आपने पढ़ा हुआ है कि x^0 = 1 होता है.
तो हम इसको 150 इंटू वन, वन को हमने एक्सप्रेस हुआ जीरो लिख दिया, तो इसकी पावर होगी जीरो. इज इट क्लियर की पावर वन नहीं हुई बच्चे? एक्स हमने खुद लगाया ना, यहाँ पे एक्चुअली कुछ भी नहीं था, एक्स तो था ही नहीं. अगर हम एक्स लिखते अकेला फिर तो वन होता इनकी तरह, यहाँ पे तो एक्स था ही नहीं. मेरे को एक्स जबरदस्ती लिखना पड़ा क्योंकि आप पावर पूछ रहे हो. जब क्वेश्चन ही है कि टेल द पावर, यू हैव टू राइट योर एक्स योर सेल्फ, और उसकी पावर हमें जीरो लगानी पड़ी क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन. वन के बदले में मैंने लिख दिया एक्स रेज टू पावर जीरो, तो इसकी पावर हो गई जीरो. When there is only single x, तब तो वन होगी, जब x है ही नहीं वहां पे then it is zero. Because ये हमने खुद लगाया x raised to power zero, हमें लगाना पड़ा दिखाने के लिए कि हम उनकी पावर देख रहे हैं, वेरिएबल की पावर देख रहे हैं इसलिए. ठीक है बेटा, वैसे अभी है नहीं ऐसा क्वेश्चन, पर मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि कॉन्स्टेंट की जो होगी पावर वो जीरो होगी. ठीक है बेटा, दिस क्वेश्चन इज क्लियर. अब ये जो Yes. एमसीक्यू आपने थर्ड क्वेश्चन पूछा था, इसकी पावर जल्दी से देख लो. फर्स्ट जो टर्म थी, सिर्फ हम टर्म वाइज देखेंगे, फर्स्ट टर्म की पावर क्या थी? फर्स्ट टर्म की पावर टू हाँ, 1 + 1 2, दूसरे की 8 4 + 4 8, तीसरे की फोर फोर की, फोर टर्म की थ्री. थर्ड थ्री यस, 1 + 1 + 1 जो कि दिखने रही है बट आपने खुद लगाना है वहां पे. ठीक है, पावर्स को आपने देख लिया, आप पावर्स को ही फॉर्म में उनको डिसेंडिंग फॉर्म में लिख दो. इनको आपने नंबर्स को नहीं देखना कि नीचे क्या है, चाहे वो 3/8 है, चाहे -3/7 है, डजंट मैटर. यू हैव टू सी द पावर और डिसेंडिंग ऑर्डर, पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर आपने लगानी है. जो कि हमारी ऑप्शन डी आ रही थी, पहले हमने 8 पावर लगाई विच वॉज 4 + 4, उसके बाद 2 + 2, उसके बाद 3, और इसके बाद 2. डिसेंडिंग ऑर्डर में वो चला गया. इज इट क्लियर नाउ? ओके, यस मैम चलो हम थोड़े से क्वेश्चन अभी काम इसके आपका मैम कंपेरिंग. यस बेटा, सेकेंड एमसीक्यू एक्सप्लेन करना इसी का ही सेकेंड. मैं ओके, किसी को कुछ नोट करना है यहाँ से? यू कैन नोट इट डाउन फॉर योर नॉलेज कि कांस्टेंट की पावर जीरो कैसे आती है. सेकेंड क्वेश्चन एमसीक्यू फर्स्ट मॉड्यूल का, इट वाज अर्जुन बॉट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट विद लेंथ एक्स एंड ब्रेथ वाई. ठीक है, कोई भी आपको केस स्टडी का क्वेश्चन आ जाए या फिर आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, उसको इकट्ठा का इकट्ठा पढ़ नहीं लेना, उसको धीरे धीरे पढ़ना है. उसको पॉज करो, आफ्टर एवरी स्टेप एवरी सेंटेंस गिव अ पॉज. पहले उसको माइंड में डालो, उसके बाद अगला सेंटेंस पढ़ो. अगर अगर आपको लगता है कि फर्स्ट सेंटेंस पढ़ने के बाद मेरे को नोटबुक में कुछ नोट करना है, तो नोट डाउन कर लो उसको. हाउ सी नाउ इट इज गिवन, कैसे शुरू करना है आपने ये क्वेश्चन. इट सॉरी आई चेंज द कलर बिकॉज आपको फिर ब्राइट नहीं दिखाई देगा. क्वेश्चन नंबर 2, इट वॉज अर्जुन बॉट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ, लेंथ वॉज एक्स मीटर, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो. ब्रेथ इज इक्वल टू वाई. ठीक है, कुछ ना कुछ तो यूनिट होगा ही इसका. लेंथ आपको एक्स दी हुई है, ब्रेथ आपको वाई दी हुई है, इट इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट. ठीक है, छोटा सा हमने बना लिया अपनी नॉलेज के लिए, ये एक्स है और ये वाई है. जैसे ही आपके सामने फिगर बन जाती है ना, क्लैरिटी हो जाती है आपको, और ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है क्वेश्चन की. एंड देन सोल्ड अ ट्राइंगुलर पार्ट ऑफ इट, इसमें से एक ट्राइंगुलर पार्ट उसने, सपोज कर लो ट्राइंगुलर पार्ट ऐसे, सपोज कर लो उसने इतना ट्राइंगल या फिर इतना ट्राइंगल, डिपेंड करता है कितना ट्राइंगल था उसके, वो डायमेंशन दी हुई है. ट्राइंगुलर पार्ट उसने सोल्ड कर दिया, ठीक है, सेल कर दिया उसमें से. तो ट्राइंगुलर पार्ट जो सेल किया उसमें से उसका बेस था वाई. ओके, बेस वाई था. अगर बेस वाई था तो आपकी शेप कैसी आनी चाहिए यहाँ पे? बेस ये था, बेस वॉज वाई एंड हाइट वॉज जेड. ठीक है, सपोज कर लो ये ऐसे था, यहाँ पे हाइट इसकी जो आ रही है इसकी, यहाँ पे ये वाली, ठीक है, सपोज कर लो यहाँ से वाई ये बेस है और इसकी हाइट जो है वो यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ पे जो मिडल में आ रही है, दिस इज वाई
ठीक है, यहां से इसके ऊपर जो हाइट आ रही है दैट इज आपको दी हुई है जेड, बेस इज वाई एंड हाइट इज जेड, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट निकालनी है आपने। ठीक है, अब ये जो आपके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट था जिसकी वाई आपके पास यहाँ पे थी, तो हाइट कुड बी दिस वे ऑल्सो, अगर ये बेस की बता रहे हैं तो इसको आप हाइट सोच लो वाई के ऊपर फॉल कर रही है। वैसे तो दोनों यू नो रेक्टेंगल में ये भी वाई है ये भी वाई है, यू नो बोथ आर सेम, तो हाइट इसके ऊपर भी फॉल कर सकती है इसके ऊपर भी फॉल कर सकती है, आइदर ऑफ इट। तो अब आपके पास इसका एरिया क्या है, एल इंटू बी, इसका एरिया क्या है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है और ये एरिया ऑफ आपके पास रेक्टेंगल है। फॉर्मूला तो पता ही है ना आपको, एल इंटू बी और हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट दे आर आस्किंग, रिमेनिंग पार्ट। अब रिमेनिंग जितना भी हो, हमें तो ये पता है कि टोटल उसके पास एक्स वाई था, उसमें से हमने माइनस कर दिया ट्राइंगल का। ठीक है, रिमेनिंग क्या आ रहा है वो तो वी कांट फाइंड क्योंकि हमने डायमेंशंस दी नहीं हुई है, तो ये आपकी फिर ऑप्शन बन रही थी एक्स वाई माइनस वाई जेड बाय टू। ठीक है, एक्सप्रेशन को हमने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से कि हमने टोटल हमारे पास रेक्टेंगुलर था, उसमें से ट्राइंगुलर का एरिया हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। इज इट क्लियर? गो स्टेप बाय स्टेप। ओके, आपको ट्राइंगल का एरिया पता है कि आपको, देखो ट्राइंगल जैसा मर्जी हो, आपको पता है कि एक बेस होना चाहिए एक हाइट होनी चाहिए, फिर आप उसका एरिया निकाल लेते हो, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे रेक्टेंगल था तो हमने इसको बेस माना, इसके ऊपर हाइट फॉल कर दी जेड। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये डायग्राम जो है रफ्फे करने के लिए है, आपने सामने दिखाना नहीं है, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर सिर्फ क्वेश्चन को ही हम बार 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 देखते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, इसलिए मैंने बोला कि रफ वर्क आपका, रफ कॉलम आपके सामने होना चाहिए, उस पर आप चाहे छोटा डायग्राम बनाओ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, चाहे रफ कैलकुलेशन करो, नोबडी विल सी इट, इट इज फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, 1 सेकंड लगता है रफ में, फटाफट लिख के देख लो जो भी आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है, देन फाइनल में जो जो आपको समझ आई है लिख दो। आई होप दीज टू मॉड्यूल्स आर क्लियर नाउ। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको ना आए एग्जाम में भी, काफी डीपली आपकी स्टडी हो चुकी है, काफी डीपली आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। किसी को कोई डाउट है, कोई टर्म पूछना है, कॉफिशियंट, न्यूमेरिकल कॉफिशियंट, बिल्कुल फैक्टर, नॉर्मल फैक्टर, देन वी रेड अबाउट दिस कॉफिशियंट ऑफ वाई, कॉफिशियंट ऑफ एक्स, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? ऑल राइट, चलो ऑल द बेस्ट फॉर दैट चैप्टर। चैप्टर वाइज आपने तैयारी करनी है, ठीक है, दैट चैप्टर इज परफेक्ट फॉर यू। थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज को, ठीक है, मॉड्यूल तो आपने नहीं किया बट जो जो आपने नोटबुक अपनी बुक में किया हुआ है बेसिक्स, वो थोड़े से क्वेश्चन समझ लेते हैं। परसेंटेज है, यू हैव अंडरस्टूड? किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकालना है, सपोज आपके पास 1/5 है, हाउ टू फाइंड इट, कन्वर्ट इट इन टू परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय 100 100, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में इसको परसेंटेज का साइन लिख दो, बिकॉज परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/100। मैथमेटिक्स में आपको पता है सिंबल्स की ज्यादा यूसेज होता है, मैथमेटिक्स में तो हमें कम लिखना पड़ता है क्योंकि हमने सिंबल फॉर्म में बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो हम 1/100 का हमारा एक सिंबल है 1/100, सो वी आर राइटिंग इट 1/5 × 100 और साथ में परसेंटेज लगा दिया बिकॉज एक्चुअली इट वॉज 1/5 × 100/100, तो 100 जो था वो डेसिमल के साइन में चेंज हो गया, ऊपर वाला हमने कर लिया, उसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 20%। ठीक है, ऐसे ही आपके पास डेसिमल कन्वर्ट करने वाले भी आते हैं कि डेसिमल है 0.07 है, कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। अरे
कन्वर्ट इट इंटू परसेंटेज, तो कन्वर्ट इट इंटू परसेंटेज आपको पता है कि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में परसेंटेज का साइन लिख देते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अपना एक कंसेप्ट अपने माइंड में रखो, मुझे परसेंटेज में किसी चीज को कन्वर्ट करना है तो हमने 100 से उसको मल्टीप्लाई भी कर देना और साथ में उसका साइन भी लगा देना, चाहे यहाँ पे फ्रैक्शन हो, चाहे नॉर्मल नंबर हो, चाहे डेसिमल नंबर हो, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हमारा काम है इसको लिखना साथ में। एग्जाम में मान लो ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है ये वाला, तो अगर आपने यहां तक भी अगर एक स्टेप में खोल के लिख दिया और आगे गलत हो गया तो यू विल गेट 1 मार्क फॉर दैट, क्योंकि यहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग पता चल रही है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपने कैलकुलेशन की वो बाय चांस रॉन्ग हो गई तो यू विल बी अवॉर्डेड बी 1 मार्क एटलीस्ट। ठीक है, तो दिस यू कैन डू हियर 0.07, इसका 100 वो आपके डेसिमल कन्वर्ट कर लिया इनटू 100, इट विल बी कट, इट विल बी कट 7%। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल में गलती कैसी होती है स्टूडेंट्स की वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सपोज आई राइट हियर 0.7, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे 0.07 था और यहाँ पे 0.7 है, तो विल द आंसर बी सेम? क्या आंसर सेम आएगा दोनों का? मैम नो, नो, दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दिस स्टेप। ये स्टेप करना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे डेसिमल वाले क्वेश्चन ओरल करते हैं क्योंकि वो अंडर एस्टिमेट हो जाता है कि यस मैं डेसिमल से नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो वो जो है नो नीड टू डू, इट इज अ बिग मिस्टेक। ओके, यू हैव टू सी कि जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं हाउ मेनी जीरोस आर कमिंग डाउन, उसके अकॉर्डिंगली आपका वो चलना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंगल जीरो कैंसिल हो रहे हैं, वहां पे दोनों जीरो कैंसिल हो रहे थे, तो इट विल बी 70%। टुडे आई एम टेलिंग यू द मैक्सिमम थिंग्स जो जो मुझे लगता है जहां आप गलती करते हो, और आज मैं नेम नहीं बुला रही हूँ क्योंकि आपका फिर टाइम वेस्ट होता है, एक बच्चा आगे आएगा फिर बताएगा, स्पेशली टुडे अब आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड चैप्टर के बीच में अंडरस्टैंड कर लो और अपने डाउट क्लियर कर लो। आई होप इट इज क्लियर। ये क्वेश्चन तो पक्का ही आता है एग्जाम में, आपको पता है परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाला। ठीक है, नंबर कोई भी आ जाए आपने 100% लगा के उसको सॉल्व कर लेना है, एक स्टेप करना है बस, और जस्ट कट इट या फिर जो भी आपने करना है उसको, नहीं करता तो भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देना। ठीक है बेटे, एक आपके क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ 30 डेज टू 36 आवर्स, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपको, 30 डेज टू 36 आवर्स, 30 डेज टू 36 आवर्स, ऐसे वाले फाइंड द रेशियो ऑफ दिस, ऐसे वाले आते हैं क्वेश्चन आपको, किया आपने? फाइंड द रेशियो ऑफ ऐसे किए होंगे आपने बेटा, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में। रुपीस पैसे का वाले नहीं किए, फाइंड द रेशियो ऑफ ₹50 एंड ऐसे वाले नहीं किए हुए, तो ठीक है इट्स ओके, रेशियो नहीं परसेंटेज है, परसेंटेज है, ओके ठीक है परसेंटेज वाली कर लो फिर, फाइन ओके। देन हाउ डू यू फाइंड 15% ऑफ 250, दैट आल्सो यू नो, सच क्वेश्चन यू हैव डन, 15% ऑफ MES, एवरीबडी नोज हाउ टू डू, रेज योर हैंड, वेरी गुड, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सी सेक्शन, आई वॉन्ट टू सी योर हैंड ऑल्सो, सी सेक्शन, डाउट है आपको, पीछे से गर्ल्स हैंड रेज कर रहे हैं, यस यस, वट अबाउट अदर चिल्ड्रन, माइक ऑफ है आपका, सी सेक्शन कहीं ने सुन लिया है, चलो फाइन बच्चे इट्स ओके, जस्ट वन स्टेप, 15 बाय 100 इंटू 250,
ठीक है, इनकी कटिंग पे फोकस करना है, उसमें गलती होगी तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, देन यू फाइंड अबाउट 5% ऑफ 600, देन फाइंड होल क्वांटिटी फर्स्ट का 37.5, इसका। यस। ओके ठीक है, आपको आता है तो इट इज गुड। क्या नीचे 2 आ रहा है तो यस डेसिमल में आएगा, इट्स ओके। स्पेशली इन दिस चैप्टर ट्राई टू फाइंड आंसर इन डेसिमल्स। ओके, स्पेशली ये इम्प्रॉपर वाले जो आंसर्स आते हैं ना, इम्प्रॉपर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करके, और डेसिमल बहुत लंबा नहीं निकालना। अगर मान लो कोई डेसिमल बहुत लंबा चल रहा है तो उसको 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक निकाल लो। ठीक है, मान लो आपके पास आंसर आ रहा है 7.5265 कुछ ऐसे आ रहा है बाई चांस, तो यू राइट डाउन 7.5 ओनली, दैट्स फाइन। ठीक है, ओके, आई वाज राइटिंग दिस। फाइंड द होल क्वांटिटी, होल क्वांटिटी यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड होल क्वांटिटी इफ इट इज गिवन 5% ऑफ, 5% ऑफ इट इज 600। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? फाइंड द होल क्वांटिटी, क्योंकि परसेंटेज जो बनी है, एक रेक्टेंगल था पहले, उसमें से ट्रायंगल उसने सेल किया, तो कुछ परसेंटेज तो उसने सेल की ना, तो वो परसेंटेज जो होती है दैट वाज, एक तो ट्रायंगल की परसेंटेज आ गई, एक रिमेनिंग की परसेंटेज आ गई। यू हैव टू फाइंड द होल क्वांटिटी कि बिगनिंग में वो क्या था। यस, कोई बताएगा? व्हाट यू मीन बाय होल क्वांटिटी? सपोज कर लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है, दिस इज होल। ओके, बिगनिंग में ये इट इज होल, इसमें से मैंने 5% ऑफ इट इज 600, इसका अगर मैं 5% ले लूं, 5% ऑफ होल इज इक्वल टू 600, तो ये होल कैसे निकालोगे बीच वाला? बट लेटिंग टेक इट एज, लेट इट बी एक्स, देन 5% ऑफ एक्स, अभी होल की जगह हमारे पास एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू 600। अगर डाउट लग रहा है तो इसको नोट कर लो। 12,000 यस, ऑफ मीन्स इनटू 5/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600, एक्स विल बी इक्वल टू 600 इंटू 100/5। वेन वी ट्रांसपोर्ट उधर जाके रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो नाउ यू कैन फाइंड आउट 12,000 इज द होल क्वांटिटी विच देवर आस्किंग। ऑफकोर्स वो ज्यादा ही आएगा 600 से, है ना, बिकॉज 600 तो उसका 5% था जो भी चीज थी होल। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर लो अगर आपको डाउट लग रहा है। 70% ऑफ होल क्वांटिटी इज इक्वल टू इज 14 मिनट्स, 14 मिनट्स, वो कुछ भी आ सकता है, मिनट आए, आवर्स आए, कुछ भी आए। ठीक है, आपको जो भी यूनिट दिए उसको फॉलो करना है बस। ओके, 70% ऑफ दिस, सेम मेथड आपको सेम फॉलो करना है, लेट इट बी एक्स, इसको एक्सपोज कर लो, देन इट विल बी 70% 220 मिनट। 14। ओके, 70/100 इंटू एक्स, 0 को इधर ही कैंसिल कर दो, वाई टू टेक द बिगर नंबर। ठीक है, बर्डन को साथ साथ नहीं लेना, जितना बर्डन कम हो सके उसको काट के कर दो डाउन।
ठीक है, तो व्हाट इज कमिंग 20, यू नो सच क्वेश्चंस, आई नो। चलो इज इट क्लियर? 20 टाइम इज ओवर, और अभी है टाइम आपका मैम, ओवर ओवर। टुडे डू वेल, यू नो एवरीथिंग, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, रिवाइज इट आफ्टर डूइंग, ओके, केस स्टडी क्वेश्चन रीड ट्वाइस थ्राइस एंड देन आंसर इट, इज इट क्लियर? ऑल द बेस्ट, थैंक यू मैम।